वायरस संक्रमण के दौरान लॉकडाउन की वजह से सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को राहत राशि देने की घोषणा की है। इनमें सबसे अहम है देश के किसान। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों के बैंक खातों में पैसे डाल दिए हैं। हम बताते हैं इन पैसों को चेक करने का तरीका। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है, साथ ही महिला जनधन खातों में भी 500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि दे रही है। ऐसे में सरकार ने किसानों का भी खास ख्याल रखा। GBS.com के अनुसार केंद्र सरकार ने PM किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को 18,253 करोड़ रुपए दिए हैं। इस बाबत वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए जानकारी आम जनता से साझा भी की, यानी हर किसान के खाते में 2,000 रुपए डाले गए हैं। खाते में नहीं आए पैसे तो क्या करें? अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आप अपने लेखपाल, कानून गो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पर बात ना बनी तो आप केंद्रीय कृषि मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकते हैं। आपको PM किसान हेल्पलाइन 1555261 या टोल फ्री नंबर 1800055226 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंत्रालय के इस नंबर 0112338109 से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।